इस वीडियो में हम देखेंगे हम अपने फायरवॉल पीएफसेंस के अंदर बैंडविड्थ डी हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि वैन की डेटा इनकमिंग और लैन के अंदर भी हम डेटा फ्लो को हम चेक कर सकते हैं। आईपी एड्रेस इन करने के बाद मैंने क्रेडेंशियल्स पहले से दिए हुए हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि अपने क्रेडेंशियल्स देने के बाद लॉग इन करें, सिस्टम में जाएँ, पैकेज मैनेजर में जाएँ, शो यहाँ पे एक इंस्टॉल्ड पैकेजेस है, एक अवेलेबल पैकेजेस है। इंस्टॉल के अंदर पहले से इंस्टॉल्ड पैकेजेस नज़र आएंगे। मेरे पास बैंडविड्थ डी पहले से इंस्टॉल है। अवेलेबल पैकेजेस में जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पर आप लिखें बैंडविड्थ डी, डी को आप कैपिटल भी कर सकते हैं। सर्च करेंगे तो आपको अवेलेबल पैकेज नज़र आएगा और यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन होगा, इसको आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद, क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल है बैंडविड्थ डी, कि आप देख सकते हैं, जब आप इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट करेंगे, डायग्नोस्टिक के अंदर बैंडविड्थ डी और बैंडविड्थ सेट डी सेटिंग्स नज़र आएंगे। सेटिंग्स को सिलेक्ट करने के बाद इन ऑप्शंस को इसको आपने इनेबल करना है और वैन को सिलेक्ट करना है। वैन को सिलेक्ट करने के बाद आपने इस ऑप्शन को टिक करना है, इस ऑप्शन ग्राफ के ऑप्शन को टिक करना है और यहाँ पे मेटा रिफ्रेश के अंदर 5 देना है। ये 5 सेकंड के बाद इसको रिफ्रेश करेगा और लॉग डेटा को भी टिक करना है। लॉग डेटा टू CDF फाइल्स को भी टिक करने के बाद आपने सेव करना है, फिर आपको इसका डिटेल नज़र आएगा। ये देखें, एक दिन की हमें यूटिलाइजेशन हमें इस तरह नज़र आएगी। थैंक यू सो मच।